नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकल 18। मैं आपके साथ विनय अग्निहोत्री। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं आशीष सिंह, जो कि ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है लोकल 18 का। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी शुरुआत होती है अगर हम जर्नी की बात करें आपकी, जो है वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने की? देखिए, शुरुआत तो काफ़ी दिलचस्प था मेरा, और मैं महज 10 साल का था तब से मैंने वॉइसिंग शुरू कर दी थी। मतलब उस समय से मुझे समझ में आ गया था कि मेरी आवाज़ में कुछ अलग है, अपनी आवाज़ को मॉड्यूलेट कर सकता हूँ। और पहली बार इसकी शुरुआत जब मैं लगभग 14-15 साल का था तब से शुरू हुई ये जर्नी। और सबसे पहले मैं एज अ मिमिक्री मैंने शुरू किया, क्योंकि मुझे वॉइस ओवर डबिंग के बारे में पता भी नहीं था। तो मैंने किसी को मिमिक्री करते हुए सुना, और मैंने भी बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स की मिमिक्री करनी शुरू की। कुछ समय बाद पता चला कि काफ़ी सारे लोग करते हैं मिमिक्री, तो इसमें कुछ खास मज़ा नहीं है, कुछ अलग किया जाए, कुछ यूनिक किया जाए। तो मैंने काफ़ी सारे यूनिक कैरेक्टर्स की आवाज़ें निकालनी चाहिए, और उस पर मैंने काम करना शुरू किया। और एक अच्छी बात मेरे साथ ये रही कि मैं किसी भी वॉइस को ऑब्ज़र्व करता हूँ तो विद इन 1-2 मंथ मैं उस पर काफ़ी अच्छा कंट्रोल पा लेता हूँ। तो 2014 तक मैंने पढ़ाई की, MBA मेरा कम्प्लीट हो गया था 2014 में, और लगभग 16 तक मैंने उसमें मतलब MBA किया था। तो MBA के बेस पर मुझे जॉब करना था, क्योंकि वॉइसिंग को मुझे एज अ प्रोफेशन नहीं बनाना था, कभी भी इसे एज अ फुल टाइम नहीं करना था, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि इसमें इतना कुछ स्कोप है, इतना कुछ बेहतर कर सकता हूँ मैं। 16 में मुझे जॉब से मेरा मन भर गया, मेरा मन ही नहीं लगता था, ना ही घर के बिजनेस में लगता था। तो सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ और इससे अलग, तो ख़ुद को एक्सप्लोर किया, पता चला कि वॉइस से कुछ कर सकता हूँ। तो अब क्या कर सकता हूँ ये पता नहीं था, इससे कमर्शियल इस्तेमाल कैसे किया जाए। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया इसके बारे में, पता चला कि मुझे इवन वॉइस आर्टिस्ट वर्ड भी नहीं पता था, तो मैं वॉइस आर्ट ऐसे सर्च करता था। और मुझे काफ़ी कुछ मिला इंटरनेट से, और उसके बाद मुझे इंटरनेट पर ही एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का एक वर्कशॉप के बारे में पता चला, जो तकरीबन 10-12 दिन का एक वर्कशॉप था मुंबई में, सोनल कौशल जी, राजेश कावा जी के ने ऑर्गेनाइज़ किया था उसे। वहाँ पर मैंने ट्रेनिंग ली छोटी सी, और उससे मुझे काफ़ी कुछ पता चला कि वॉइस ओवर क्या होता है, डबिंग क्या होता है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इंडस्ट्री में काम कैसे किया जाए, मैं क्या क्या मिस्टेक्स कर रहा हूँ, क्लाइंट्स को कैसे अप्रोच किया जाए, उनसे कैसे डील किया जाए, अपने सैम्पल्स कैसे बनाए जाए, इन चीज़ों के बारे में इक्विपमेंट्स के बारे में, रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बारे में, रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में, वहाँ से काफ़ी जानकारी मिली और फिर काम करना शुरू कर दिया। आपने मिमिक्री की बात की, बॉलीवुड के जो एक्टर हैं, कुछ एक्टर्स के आप मिमिक्री करके बताएंगे? हाँ, डेफिनेटली मैंने बॉलीवुड से तो शुरुआत की थी, लेकिन आजकल मैं बॉलीवुड को कह सकते हैं कि एज अ बॉलीवुड मिमिक्री आर्टिस्ट मैं बहुत कम परफॉर्म करता हूँ। लेकिन हाँ, आपको डेफिनेटली मैं कुछ यूनिक कैरेक्टर्स जिस पर मैं काम करता हूँ खासकर, उनकी वॉइसेस ज़रूर सुनाऊंगा। जैसे मैं रेसलर्स की वॉइस करता हूँ, मैं थैनोस, जावी, सल्ट्रॉन ऐसे कैरेक्टर्स करता हूँ जो काफ़ी यूनिक हैं, और दूसरे लोग बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट हैं जो उनकी वॉइस कर पाते हैं। तो इनमें से अगर आप चाहें किसी की, तो डेफिनेटली मैं आपको सुना सकता हूँ। किसी की सुना दीजिए। अच्छा, किसी की भी, तो रेसलर्स की सुनाता हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा लोगों का फेवरेट है। रेसलर्स एक मैसेज देते हैं स्पेशली बच्चों को, कि हम जो भी रिंग के अंदर करते हैं उसे अपने घर पे ना दोहराएं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। तो ये उनका मैसेज कुछ इस तरह होता है। वी आर ग्लोबल एंटरटेनर्स, WWE सुपरस्टार, बट वी आर नॉट इनविंसिबल, वी टेक रियल रिस्क्स, डिसलोकेशंस, सेपरेशंस, ब्रेकिंग बोन, टर्न मसल्स, एवरी सिंगल डे एंड मोमेंट ऑफ आवर लाइफ वी प्रैक्टिस। We practice to be perfect, so it's an important message to the entire WWE universe. The moves that we do in the ring, never trying to make copy at school, home, or anywhere. Be smart and be safe. Do not try this. लाजवाब। किसी एक एक्टर की भी थोड़ा सा करके बताएंगे, कोई एक्टर जो आपका फेवरेट हो, जो बेहतर कर सकते हैं आप? पहले काफी करता था मैं सनी देओल जी, सनी देओल का ही कर दी जी, इनकी करता था। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है ना, ये सारी चीजें ऐसी है कि अगर आप उस पर प्रैक्टिस ना करें तो आपकी कमांड उतनी अच्छी नहीं रहती। अमिताभ जी की अगर मैं थोड़ी बहुत कर
करूं तो कुछ कोई डायलॉग। नमस्कार, हमारा देश और पूरा विश्व आज COVID-19 की चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में याद रहें, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। आई बहुत सही सर। सर हम बात करते हैं कि आपने अभी तक जो है अपने जो है वॉइस ओवर कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे, आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स या फिर मूवी में या फिर टीवी सीरियल में आपने वर्क किया है, फिर गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे। हाँ, मैंने कुछ मूवीज़ में भी थोड़ा बहुत काम किया है। मुझे डबिंग में ख़ास दिलचस्पी नहीं है और मैं डबिंग बहुत अच्छा करता भी नहीं हूँ, क्योंकि नॉर्मल विदाउट सिंक डबिंग तो कर लेता हूँ, लेकिन जो सिंक डबिंग है, जो लिप सिंक डबिंग है, उसमें मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। एंड मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ। बेसिकली वॉइस ओवर में मैं बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स करता हूँ, अपने यूपी गवर्नमेंट के हैं, बिहार गवर्नमेंट के हैं, MP गवर्नमेंट के हैं, नगर निगम भोपाल का भी काम करता हूँ, इंदौर का भी काम करता हूँ, इंदौर विकास प्राधिकरण का, स्मार्ट सिटी भोपाल का भी मैं काफ़ी कुछ काम करता हूँ। ट्रैफिक सिग्नल्स पर जो भोपाल में आवाज़ें आप सुनते हैं वो भी मेरी ही आवाज़ है। एनिमेशन के लिए भी काम करता हूँ, एनिमेशन में काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं वो कर लेता हूँ। इंडिया के ऑलमोस्ट 10 से ज़्यादा एक्सेंट्स मैं कर लेता हूँ, काफ़ी सारे एज ग्रुप्स में स्विच कर लेता हूँ, यानी 20 साल से लेकर 90 साल तक के इंसान तक सारी आवाज़ें और कुछ यूनिक कैरेक्टर्स हैं इनके साथ ही काम कर रहा हूँ। ट्रैफिक सिग्नल की आपने बात की, कुछ ट्रैफिक सिग्नल के बताएंगे आप, क्या कैसे निर्देश देते हैं ट्रैफिक सिग्नल भी? हाँ, जो मेरा वॉइस ओवर था वो कुछ ऐसा था, स्मार्ट सिटी भोपाल आपका स्वागत करता है, अगर आप दो पहिया वाहन से चल रहे हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें, अगर आप चार पहिया वाहन से चल रहे हैं तो सीट बेल्ट अवश्य लगाएं, ओवर स्पीडिंग से बचें, धूम्रपान एवं नशा करके गाड़ी चलाना कानूनन अपराध है, कुछ ऐसा। भोपाल मेट्रो का भी जो है अभी कुछ दिन बाद जो है चालू होने वाली बहुत जल्द, कुछ इसके बारे में करके दिखाएंगे कुछ भोपाल मेट्रो की। हाँ देखिए, भोपाल मेट्रो की मैं ऑफिशियल वॉइस बनूंगा या नहीं ये अभी 100% अनाउंस्ड नहीं है, क्लियर नहीं है। हाँ, हालांकि मैंने डिपार्टमेंट में अपनी आवाज़ का सैंपल दिया हुआ है उन्हें, और एक अभी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, उस पर लगभग 5.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने देख लिया है उसे, तो वो कुछ ऐसा है। भोपाल मेट्रो में आपका स्वागत है, गाड़ी की दिशा में पहला डिब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित है, पुरुष यात्रियों से निवेदन है कि महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे में ना चढ़ें, ऐसा करना दंडनीय अपराध है। अगला स्टेशन बोर्ड ऑफिस है, ट्रेन के दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे, कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हों। सर अगर बात करें कि और आपके आने वाले और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं इनके बारे में बताएंगे आप? हाँ, मैं अभी कमर्शियल्स हैं, डॉक्यूमेंट्रीज में भी मैं काफ़ी सारा काम करता हूँ, गवर्नमेंट से लेकर प्राइवेट NGOs वगैरह, ये सब के प्रोजेक्ट्स हैं, और बस जो भी काम आता जाए मिलता जाए करते रहो। आपकी फीस क्या रहती है अगर हम बात करें तो, जो भी आप वॉइस ओवर करते हैं? देखिए, एक जो मेरा स्टैंडर्ड चार्ज है वो मैं 3,000 rupees पर मिनट चार्ज करता हूँ, और डिपेंड करता है क्लाइंट पर भी, अगर क्लाइंट और काम पर भी, प्रोजेक्ट अगर बहुत बड़ा है, जैसे अभी मैंने एक 100 minutes का काम किया, तो 100 minutes, 200 minutes, 500 minutes का चार्ज जो है वो कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू 2-4 minutes का काम ना। तो जब अगर आप 100 मिनट का काम लेकर आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं 3,000 rupees मिनट चार्ज नहीं करूँगा, फिर वहाँ पर चार्ज कम हो जाता है ऐसा कुछ। अगर हम बात करें कि आप जो है डोमेस्टिक तो में आप काम कर ही रहे हैं, अगर कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो कुछ आपने किए इंटरनेशनल प्रोजेक्ट? हाँ देखिए, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स मैंने मतलब एज अ वॉइस एजेंसी भी मैं काम करता हूँ, मेरी खुद की कंपनी जो है माई एडवर्टेंसी, अभिषेक जी मेरे पार्टनर, हम दोनों मिलकर उस कंपनी को रन करते हैं, उसमें हम लोग डबिंग, वॉइस ओवर एंड एनिमेशन वगैरह करते हैं, तो काफ़ी सारे फॉरेन के प्रोजेक्ट्स भी हमने किए हैं। एज ए इंडिविजुअल, एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट अगर मैं बात करूँ तो मैंने जर्मनी के एक गेम डेवलपर के लिए एक वॉइस ओवर किया था लगभग 4-5 साल पहले, तो गेम के लिए वॉइस थी ये याद है, और कुछ कैरेक्टर्स थे ये भी याद है, लेकिन एग्जैक्टली अभी प्रोजेक्ट का पूरा डिटेल तो नहीं दे पाऊँगा।
सर आखिरी सवाल ये है कि जो है जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो लोग वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहते हैं कि वो अपनी आवाज़ को और कैसे बेहतर बनाएं, डेली रूटीन की उनको क्या दिनचर्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी लैंग्वेज पर काम करना और अपने प्रोनंसिएशन पर ध्यान देना, शब्दों को सही से उच्चारण, शब्दों का उच्चारण सही से करना। रोज़ाना अगर आप न्यूज़ पेपर रीड करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा एक हैबिट है। सुबह उठकर आप न्यूज़ पेपर पढ़िए, कम से कम 20 मिनट से लेकर आधे घंटे तक इस वॉल्यूम में पढ़िए कि आपके आसपास के जो दो चार लोग हैं वो सुन सकें। और पढ़ने के दौरान आप अलग अलग मॉड्यूलेशंस ट्राई कर सकते हैं। आपको नुक्ता, स, श में डिफरेंस, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे क्या होता है कि फ, फ, ज, ज और ग, ग, ये इस तरह के वर्ड्स में बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं लोग, तो इस पर भी काम करना बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना सुबह उठकर आपको ओम चैंटिंग करनी चाहिए, जिससे आपका जो गला है उसका स्ट्रक्चर, वॉइस का स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया होता है। और शिव तांडव स्तोत्रम बहुत ज़रूरी है। अगर वो उसका आप जाप करते हैं, उसका अगर आप पाठ करते हैं, तो उससे आपके शब्दों पर पकड़ बहुत अच्छी हो जाती है। शब्दों में आप लड़खड़ाते नहीं हैं, कभी भी फंबल नहीं करते हैं, तो कुछ इस तरह से आप चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। पानी ज़्यादा पिया कीजिए, पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना पानी पियेंगे उतना ज़्यादा आप हाइड्रेटेड रहेंगे और आपका गला उतना अच्छा रहता है। ठंडी चीज़ों से बचें, कोशिश कीजिए कि ठंडी चीज़ें कम खाएँ। अगर आप वॉइसिंग में हैं, आप सिंगिंग करते हैं या वॉइस ओवर करते हैं, तो ठंडी चीज़ें, हालांकि देखिए सबका गला अलग अलग होता है, कुछ लोगों का सेंसिटिव ज़्यादा होता है। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है, लेकिन फिर भी कभी अगर अच्छे काम प्रोजेक्ट्स होते हैं तो मैं ठंडी चीज़ों से बचता हूँ। थैंक यू सो मच सर लोकल एटीन से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, विनय जी, अपना समय देने के लिए।